नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले बच्चों विशिष्ट शिक्षा के गुण, सीमाएं और सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है मैंने पिछले वीडियो में आपको विशिष्ट शिक्षा क्या होती है इसके बारे में पढ़ाया था। विशिष्ट शिक्षा क्या होती है बच्चों? विशिष्ट शिक्षा का मतलब है बच्चे को विशेष वातावरण, विशेष शिक्षण प्रविधियों और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त जो अध्यापक है उनके लिए मुझे क्या उपलब्ध करवाना है, शिक्षा उपलब्ध करवाना ही विशेष शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसके बाद मैंने जेबी हंट की परिभाषा, जेबी हंट की जो परिभाषा है उसमें पढ़ा था कि ऐसी शिक्षा जो सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से सामान्य बालकों से अलग हो वो विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य। विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्यों में मैंने पढ़ा था बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उसके हर पक्ष का विकास करना, उसको आत्मनिर्भर बनाना, उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना विशिष्ट शिक्षा का मेन उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो विशिष्ट शिक्षा है उसमें NPE राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 में तीन उद्देश्य बताए थे। कितने उद्देश्य बताए? तीन। पहला बताया कि बच्चे को सामान्य बालक बनाना या सामान्य रूप से शिक्षा देना, साहस व आत्मसम्मान का या आत्मविश्वास उत्पन्न करना, और इसके अलावा तीसरा मैंने आपको बताया था बच्चों कि बच्चे को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकीकृत करना ही इसका मेन मोटिव है। ठीक है, इसके बाद आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों वो ये है कि विशिष्ट शिक्षा बच्चे को कैसे प्रदान की जाए। तो विशिष्ट शिक्षा के गुणों के बारे में हमने अध्ययन किया था बच्चों कि गुण क्या क्या है विशिष्ट शिक्षा के। तो देखो, विशिष्ट शिक्षा एक ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवाती है ताकि बच्चे में जीवन कौशल का विकास हो सके। जीवन कौशल का विकास कैसे हो सकता है बच्चे में? इसका मतलब ये है कि जो बच्चा जिस काम में निपुण लगे, जैसे कई बच्चों को दरिया बनाना सिखाया जाता है, कई बच्चों को हाथ करंगा उद्योगों पर जोड़ दिया जाता है, कुछ बच्चों से गृह कार्य करवाए जाते हैं, किसी बच्चे से पेंटिंग करवाई जाती है, तो किस चटाइयाँ बनवाई जाती है, तो अलग अलग बच्चों से अलग सिलाई सिखाना, ये सब एक्टिविटी करवाई जाती है ताकि बच्चा सामान्य वातावरण में जाकर सामान्य बच्चों के साथ उचित सामंजस्य को स्थापित कर सके। उसके बाद देखो, सुरक्षित व संरचित अधिगम कार्यक्रमों को क्या देती है? आधार देती है। जो विशेष शिक्षा है वो एक ऐसा अधिगम प्रदान करती है ताकि बच्चे का क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार विकास हो सके ताकि वो सामंजस्य को स्थापित कर सकता है। तो ये उन्हें मेरिट है इसका। बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। विशेष एजुकेशन का सबसे बड़ा गुण यही है कि हर बच्चे की केस प्रोफाइल होती है, हर बच्चे पर नज़र रखी जाती है कि किस बच्चे का क्या विमंदताएं हैं, क्या क्या उसमें अक्षमता है, उन अक्षमताओं के आधार पर किन किन उपकरणों का प्रयोग करना है, किन किन विधियों का प्रयोग करना है, ये सब आपको इसमें ध्यान दिया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों अक्षमताग्रस्त बच्चों को विशेष सेवा। जो अक्षमताग्रस्त बच्चे हैं उनको विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, विशेष सेवा दी जाती है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जिनके पास में क्या नहीं है, पैर नहीं है, उसको व्हील चेयर उपलब्ध करवाई जाती है। जो बच्चे दृष्टिबाधित है उनको चश्मे उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो बच्चे स्वर यंत्र से कमजोर है तो उनको स्वर यंत्र उपयोग में या दिलाए जाते हैं। तो विशेष सेवाएं दी जाती है। कौन सी एजुकेशन में? स्पेशल एजुकेशन में। उसके बाद आता है इनपुट पर क्या दिया जाता है बच्चों? जोर दिया जाता है बौद्धिक विकास में सहायक। देखो, विशेष शिक्षा में शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चा है, आपको पता है शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा भी प्रतिभाशाली हो सकता है, लेकिन प्रतिभाशाली बनने के लिए उसे विशेष उपकरणों की क्या पड़ती है बच्चों? आवश्यकता पड़ती है। अगर उसे विशेष प्रविधियों,
तकनीकों को दे दिया जाए तो वो बच्चा उसकी प्रभावशीलता उसका आईक्यू लेवल और अच्छा हो सकता है। तो विशेष एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन बच्चे का बौद्धिक विकास करने में भी उपयोगी होती है। उसके बाद आता है माता पिता को उपयुक्त सेवाएं प्राप्त। मैंने आपको बताया था कि जो विकलांग बच्चे हैं उनके जो माता पिता हैं अगर वो स्पेशल एजुकेशन के तहत उनको विशेष विद्यालयों में भेजते हैं तो बच्चा दैनिक क्रियाकलाप करने लग जाता है, अपने आप खाना खाना, अपने आप कपड़े पहनना, ये सब क्रियाकलाप करने लग जाता है, जिससे माता पिता को इसमें थोड़ी बहुत क्या मिल जाती है, रिलैक्स मिल जाता है। तो माता पिता को उपयुक्त सेवाएँ प्रदान करने में, बौद्धिक विकास करने में, अलग पाठ्यचर्या पर ध्यान देने में, बनाने में, अब ये देखो अलग पाठ्यचर्या पर बल, विशेष जो एजुकेशन है उसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यचर्याओं का आयोजन करवाया जाता है। अगर सामान्य बालकों की तरह उन्हें पाठ्यचर्या उपलब्ध करवाई दी जाए तो वो सही तरीके से अध्ययन नहीं कर पाएंगे बच्चों। देखो प्रतिभाशाली बालक को अगर बोरिंग या हल्का सा या बिल्कुल कमजोर पाठ्यक्रम दे दिया जाए तो वो बच्चा उदंडी हो जाएगा, और अगर विमंडित या मानसिक रूप से मंद बालक है अगर उसको कठोर चैप्टर्स दे दिए जाए तो वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। तो विशेष एजुकेशन ये कहती है कि बच्चे की क्षमता के अनुसार पाठ्यचर्या का चयन किया जाना चाहिए। तो ये विशेष शिक्षा का एक महत्वपूर्ण गुण है बच्चों। उसका बात आता है कि ये विशिष्ट शिक्षा ये कहती है कि विकलांगता एक व्यक्ति की समस्या है, हर बच्चे की विकलांगता अलग अलग हो सकती है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कई बच्चे ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं, कई बच्चे अल्प दृष्टि से बाधित होते हैं, कई बच्चों में बहुआयामी विकलांगताएं पाई जाती है, कई बच्चों में दृष्टिबाधिता का दोष पाया जाता है, कई शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, कई स्वर्ण शक्ति कमजोर होती है, कोई लिखने में असक्षम होते हैं, कोई गणित में कमजोर होते हैं और कईयों की भाषाई अक्षमताएं होती है। तो इन सब क्षमताओं को पहचान कर उनको विशेष शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाना ही किसका मोटिव है, विशेष शिक्षा का मोटिव है। तो बच्चों आपने विशेष शिक्षा के गुणों में पहला क्या पढ़ा, जीवन व्यापन पोषण, दूसरा सुरक्षित व संरचित अधिगम कार्यक्रम को आधार प्रदान करना, तीसरा बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है, अक्षमताग्रस्त बच्चों को विशेष सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है, अलग पाठ्यचर्या पर इसमें बल दिया जाता है, इनपुट पर इसमें जोर दिया जाता है, बौद्धिक विकास में ये क्या है बच्चों, सहायक है, माता पिता को उपयुक्त सेवाएं प्राप्त होती है, और विकलांगता एक व्यक्ति के अंदर की समस्या है इस बात पर ये आधारित है। उसके बाद देखिए बच्चों विशिष्ट शिक्षा की सीमाएं क्या है, आप जानते हो विशिष्ट शिक्षा बच्चे की क्षमताओं पर आधारित होती है। ये कहता है कि हर बच्चे की विकलांगता अलग अलग होती है, इस पर आधारित होती है विशिष्ट शिक्षा। तो विशिष्ट शिक्षा अलग अलग कैटेगरियाँ बना देती है विकलांगों की, जैसे हैंडीक्राफ्ट बच्चे अलग होते हैं, नेत्रहीन बच्चे अलग होते हैं, स्वर्णहीन बच्चे अलग होते हैं, तो सबकी अलग अलग कैटेगरियाँ बना दी जाती है। तो अलग अलग कैटेगरियाँ बनाने के आधार पर विशिष्ट शिक्षा दी जाती है तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। तो बालकों का विभिन्न श्रेणियों में विभाजन हो जाता है, जबकि समेकित शिक्षा में ऐसा नहीं होता है, बच्चा एक ही एनवायरनमेंट में पढ़ता है, उनका इनके साथ कोई विभाजन नहीं होता है। दया की भावना पर आधारित, अब आप देखो कोई बच्चा व्हील चेयर पर जा रहा है, हम उसको पढ़ा रहे हैं, उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि हमारे प्रति उस बच्चे के प्रति क्या आ जाती है, हमारे मन में सहानुभूति आ जाती है। जब पता चलता है कि बच्चा इस कैटेगरी का है, मंद बुद्धि है, तो हमको जितनी गति से हम उस बच्चे को सिखाना चाहते हैं उस गति से नहीं सिखा पाते हैं। इसलिए विशिष्ट एजुकेशन का ये डिमेरिट्स है कि बच्चे में या टीचर्स में एक दया की भावना आ जाती है। उच्च लागत, आप जानते हो विशेष शिक्षा देने के लिए
चिकित्सकीय उपकरणों की भी आवश्यकता पड़ती है, विभिन्न टेक्निक्स की भी आवश्यकता पड़ती है। स्पेशल रूप से महाविद्यालयों की स्थापना की जाती है जहाँ पर अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इन सब चीज़ों में लागती आती है। समय समय पर चिकित्सकीय परामर्श करवाना पड़ता है, समय समय पर शारीरिक परीक्षण करवाया जाता है, तो उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा आता है विशेष शिक्षा देने के कारण, इसलिए उच्च लागत विशिष्ट शिक्षा का डीमेरिट है। उसके बाद आता है बच्चों विशेषज्ञता के आदान प्रदान का अभाव। आप जानते हैं सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला जो अध्यापक है वो केवल सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ा सकता है, सामान्य शिक्षा ही उपलब्ध करवा सकता है, वो स्पेशल एजुकेशन नहीं दे सकता, स्पेशल विद्यालयों में वो नहीं पढ़ा सकता। अगर स्पेशल एजुकेशन में जिसने विशेषज्ञता हासिल करी है वो स्पेशल एजुकेशन में पढ़ाएगा, और जो सामान्य बालकों को पढ़ाने के लिए जिसने बीएड करी है वो सामान्य बालकों को पढ़ाएगा। यहाँ पर विशेषज्ञता का आदान प्रदान नहीं होता है। इसके बाद आता है बच्चों हीन भावना का विकास। जब आपको पता है बच्चे को कैटेगरी बना दी जाती है, बच्चे के प्रति दया की भावना आ जाती है, तो बच्चे के अंदर भी हीन भावना का विकास हो जाता है कि वो एक सामान्य बालकों के साथ अध्ययन नहीं करके एक स्पेशल विद्यालय में एजुकेशन ले रहा है, तो उसमें कौन सी किसका विकास हो जाता है, हीन भावना का विकास हो जाता है। उसके बाद आता है कि ये जो एजुकेशन है वो कैसी है बच्चों, महंगी है। इसमें तकनीकी प्रविधियों, उपकरणों, मेडिकल साधनों, चिकित्सकीय परामर्श लेने के लिए विभिन्न डॉक्टर्स, इन सब की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए ये व्यवस्था महंगी है, ये विशिष्ट शिक्षा के डीमेरिट्स है। तो विशिष्ट शिक्षा का पहला डीमेरिट क्या है, सीमाएं क्या है, बालकों का विभिन्न श्रेणियों में विभाजन हो जाता है, दया की भावना पर क्या है आधारित है, उच्च लागत आती है, शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध है, विशेषज्ञता के आदान प्रदान का अभाव पाया जाता है, और हीन भावना का बच्चे में क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, और ये कैसी है, महंगी है। उसके बाद आता है बच्चों सिद्धांत कि विशिष्ट शिक्षा किन सिद्धांतों पर कार्य करती है। तो देखो बच्चों व्यक्ति भिन्नता की मान्यता, मैंने आपको बताया स्पेशल एजुकेशन मानती है हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की अक्षमताएं अलग होती है, कोई शारीरिक रूप से विमंडित होता है, कोई मानसिक रूप से विमंडित होता है, कोई अस्थि से संबंधित होता है, कईयों की दृष्टि बाधित होती है, कोई सुनने में बहरे होते हैं, तो अलग अलग व्यक्ति भिन्नता होती है, और अलग अलग ही उनको विशेष अध्यापकों के द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। तभी आपको पता है कि स्पेशल एजुकेशन को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनको भी अलग अलग कैटेगरियाँ होती है, जो स्वर्ण बाधित होते हैं उन बच्चों को अलग कैटेगरी में पढ़ाया जाता है, जो दृष्टि बाधित होते हैं उनको अलग कैटेगरी में पढ़ाया जाता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर ही स्पेशल एजुकेशन प्रदान की जाती है, कोई भी निरस्त नहीं, हर बच्चा चाहे वो गंभीर से गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो उसको यहाँ पर एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता। सामान्य विद्यालयों में हो सकता है लेकिन यहाँ पर किसी भी बच्चे को मना नहीं किया जाता, पक्षपात रहित। ये जो एजुकेशन है बच्चों वो पक्षपात रहित है, किसी भी बच्चे के साथ यहाँ पर पक्षपात नहीं किया जाता है, उसकी विमंदता उसकी असक्षमता के आधार पर उसको शिक्षा प्रदान की जाती है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। मैंने अभी आपको बताया कि हर बच्चे की क्षमताएं अलग होती है, उसकी व्यक्तिगत रूप से जांच की जाती है, उसकी केस प्रोफाइल बनाई जाती है, और उसको एजुकेशन देने के लिए भी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इस सिद्धांत पर कार्य करती है कौन सी शिक्षा बच्चों, विशेष शिक्षा, नियंत्रित वातावरण। आपको मैंने बता ही दिया दृष्टि बाधित अलग, स्वर्ण से बाधित अलग, मानसिक रूप से विकृत बालकों की अलग, तो इन सब को एक नियंत्रित उचित वातावरण में शिक्षा दी जाती है। किस कौन सी एजुकेशन में, विशेष एजुकेशन में। उसके बाद आता है ये विशिष्ट प्रक्रिया है, जब विशिष्ट तकनीकों, विशिष्ट प्रविधियों, विशिष्ट प्रक्रियाओं, इन सब का प्रयोग अलग अलग किया जाता है, तो इसका मतलब है बच्चों की विशेष शिक्षा योजना एक विशिष्ट प्रक्रिया साबित हो जाती है। माता पिता का सहयोग,
आप जानते हैं विशिष्ट शिक्षा योजना जो है उसमें माता पिता के सहयोग पर आधारित होती है, क्योंकि माता पिता के सहयोग के आधार पर ही केस प्रोफाइल बनाई जाती है, माता पिता से उसकी हिस्ट्री जानी जाती है। तो माता पिता के सहयोग पर आधारित होकर विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है। तो विशिष्ट शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत है बच्चों? पहला, व्यक्ति भिन्नता को मान्यता, कोई भी निरस्त नहीं, पक्षपात रहित, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम पर जोर, नियंत्रित वातावरण, विशिष्ट प्रक्रिया और माता पिता के सहयोग, इन पर आधारित होती है कौन सी शिक्षा बच्चों? विशिष्ट शिक्षा। अब बात ये आती है बच्चों कि जो विशिष्ट शिक्षा दी जा रही है उनमें कौन कौन सी नीड्स होती है बच्चों, कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है कि उसके आधार पर ही बच्चे को विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो देखो बच्चों, विशिष्ट प्रविधियों व विधियों की क्या पड़ती है बच्चों? आवश्यकता पड़ती है। विशिष्ट विधियों का क्या करना पड़ता है? प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, उसके आधार पर ही बच्चे को विशेष शिक्षा, दृष्टिबाधित के लिए अलग से विधि बनाई जाएगी, अलग से कार्यक्रम बनाए जाएंगे, दृष्टि ये स्वर्ण शक्ति से हीन बच्चे हैं उनके लिए अलग से कार्यक्रम बनाए जाएंगे, अलग से पाठ्यक्रम होगा, मानसिक रूप से जो विबंधित बालक है उनके लिए अलग से विशेष प्रविधियाँ होगी, विशिष्ट टेक्निक्स होगी। तो अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग की विधियों व प्रविधियों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। विशेष पाठ्यक्रम मैंने बताई दिया, अलग अलग पाठ्यक्रम अलग अलग बच्चों के लिए होता है, दृष्टिबाधित के लिए अलग पाठ्यक्रम होगा, स्वर्ण से जो विकलांग है उनके लिए अलग होगा, जो मानसिक रूप से विबंधित बालक है उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम है होता है। अतिरिक्त साधनों की, आपको पता है कि जो दृष्टिबाधित है उनके लिए चश्मे की व्यवस्था, बड़े बड़े अक्षर दिखने के लिए प्रोजेक्टर, ये सब लगाना, ऐसी चीज़ें या ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करना ताकि बच्चा मानसिक रूप से उन चीज़ों को समझ पाए, लिख पाए, उनको चित्रों के माध्यम से बताया जाता है, बड़े बड़े मॉडल्स दिखाए जाते हैं ताकि उसके ज्ञान को स्थिरता प्रदान की जा सके। तो इसके लिए अतिरिक्त साधनों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आता है व्यावसायिक व मनोवैज्ञानिक, क्या उपलब्ध करवाई जाती है? सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाती है। बच्चे को अलग अलग व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, मनोवैज्ञानिक निर्देशन प्रदान किया जाता है, एक साइकोलॉजी का एक टीचर्स होता है जो उनको मानसिक रूप से तैयार करता है, क्योंकि बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है कोई बात नहीं, लेकिन मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए विभिन्न टेक्निक्स का, विभिन्न विशिष्ट पाठ्यक्रमों का और विशिष्ट निर्देशन सेवाओं का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है शारीरिक परीक्षण, शारीरिक परीक्षण किया जाता है। विशेष सुगमताओं की आवश्यकता, जैसे आप जानते हो कि अगर शारीरिक रूप से विकलांग है तो उनको समस्त सुविधाएं वहीं पर उपलब्ध करवाई जाएगी, उनके लिए व्हील चेयर्स लगवाई जाएगी, उनके लिए इस प्रकार के ही ग्राउंड में जो प्लेग्राउंड है उसमें इसी प्रकार के खेल कूद के साधन रखे जाएंगे ताकि वो बैठे बैठे भी आराम से कोई खेल खेल सके। दृष्टिबाधित के लिए ऐसे ही खेल उपकरण रखे जाएंगे ताकि वो उनको देख करके या मतलब उनके साथ खेल करके अपने आप को उसमें व्यस्त रख सके। तो अधिक सुगमताओं की आवश्यकता पड़ती है किसमें? विशेष शिक्षा में। तो आवश्यकताओं में पहला है विधियों व प्रविधियों की आवश्यकता, विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता, अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता, व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक सेवाएँ, शारीरिक परीक्षण और विशेष सुगमताओं की आवश्यकता, इन सब का ध्यान रखा जाता है बच्चों किसमें? विशिष्ट शिक्षा में। तो आज हमने विशिष्ट शिक्षा के गुण, सीमाएं, सिद्धांत और आवश्यकताएं, ये चार पॉइंट्स को क्लियर करा है। आपको लगता है कि आप इन पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा सकते हैं, जो भी पॉइंट्स गुणों में, सीमाओं में, सिद्धांतों में और आवश्यकताओं में, जिनमें आप इसके पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप चाहते हैं कि मैं रेणुवैद शिक्षा मनोविज्ञान के सभी टॉपिक्स को आपको क्लियर करूं तो नव भारती स्टडी सर्कल चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो विशिष्ट शिक्षा का टॉपिक है न केवल बीएड सेकंड ईयर के लिए बल्कि आपके किसके लिए, रीट, सीटेट और पीएचडी
धारी जो बच्चे हैं उनके लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद। हो गई।